हेलो फैमिली, सभी को जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे। आज नवरात्र का चौथा दिन है, माता रानी का पावन पर्व चल रहा है। इस टाइम 9 दिन माता रानी का दिन है और जगह जगह रामलीला मेला, दुर्गा पंडाल बने हुए हैं और ये समय है सब जगह घूमने टहलने का माहौल। हमारे घर के पास में भी मेला लगा हुआ है, रामलीला हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे पंडाल बन रहा है हमारे घर, जस्ट घर के बगल में ही दुर्गा पूजा होगा, अभी तो पंडाल बन रहा है। चलिए बाहर से यहाँ देख सकते हैं, ये दुर्गा पंडाल बन रहा है, अभी देख सकते हैं बांस वस पड़े हुए हैं, अभी थोड़ा टाइम है और कल से यहाँ पे दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा। 3-4 दिन का होता है, छठी सप्ती अष्टमी नवमी। चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद, चलते हैं। तो लेके आ गया हूँ आलू और खीरा, मूली नहीं मिला हुआ है, तो देखते हैं अगर घर के बाहर कोई बेचने आएगा तो ले लूँगा, क्योंकि रात में ही मार्केट लगता है, दिन में तो लगता नहीं है। तो अभी पीछे जो दुकान खुला था उसमें बस आलू, टमाटर, धनिया, मिर्चा, लहसुन, प्याज यही मिल रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर। इतना चीज़ लाने के बाद भी एक चीज़ भूल गए, दही नहीं लाया, बिना दही के रायता कैसे बनेगा। चलते हैं फिर, दही लेके आते हैं, फिर मिलते हैं। दही लेके आ गए हैं और हमारे घर के बगल में पूजा हो रहा है, सब बंगाली लोग रहते हैं तो यहाँ पे पूजा हो रहा है। और तो फैमिली हम लोग तैयार हो गए मार्केट जाने के लिए और ऋषभ सोनाक्षी को यहीं छोड़ के जा रहे हैं। ऋषभ कह रहा सोनाक्षी का नाम कटवा दो, काम उम नहीं करती है, बस मस्ती करती रहती है, घूमती रहती है इधर उधर। मितान से नहीं, तभी से। तो मेरा दोस्त है, बस उसी से बात करती रहती है। पढ़ाई लिखाई क्या करूँ, बहुत मारूंगा मैं, डांटते रहते बच्चों को, क्या करे, मानते नहीं कह रहा। चलो जी, घंटी टन 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 टन, छोटी घंटा नहीं चाहिए, घंटी चाहिए, लगी है वो अंदर बोले हैं। धनतेरस आ रहा है ना, इसलिए सजावट चल रही है ना। खाली कितने की है? तो यहाँ हम आए हैं घर के मंदिर के लिए घंटी लेने के लिए। हमारे घर का घंटी ये है, ये है, ये है पुराना घंटी, ये तो उस दिन सो रहे थे टूट गया, वही वजन जाएगा, ये वजन होगा। ये पूजा की थाली है, सोना जी खरीद लिए, घंटी खरीदे, थाली खरीदा, पीतांबरी खरीदा जिससे बर्तन धुला जाता है। अब इसको ऊपर चलते देखते हैं, सबने लगा रहे हैं ना। अभी धनतेरस का दिन आ रहा है ना, फेस्टिवल आ रहा है, सीजन आ रहा है हर चीज का, त्योहार। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं पूजा की सामग्री की दुकान पे, जहाँ पे पूजा का सारा सामान मिलता है।
तो यहीं से हम लोग पूजा का सारा सामान लेते हैं। और ये धूप बत्ती है, पूरा डब्बा ही ले लेते हैं, 160 रुपए का डब्बा आता है, तो काफी दिन चलता है ये। भैया लाल चंदन पाउडर वाला है, वो दे देगी दुकानदारी में से। फिर मैं रोली का टाइम क्या है, रोली वाली को चंदन लेते हैं सारे, पहले रोली वाला लेते थे। नहीं भोले बाबा को ना रोली नहीं लगता है, लाल वाला क्या होता है पानी। तो हम लोग मार्केट से आ गए हैं, मार्केट आने के बाद चलते हैं सोनाक्षी और ऋषभ को ट्यूशन छोड़ते हैं। क्या हुआ, ये लोग इंतजार कर रहे थे, टाइम भी हो गया है। किसका इंतजार कर रहे थे, हम किसी का नहीं कर रहे थे, हम तो फोन चला रहे थे। तो गई क्यों नहीं फिर, तो क्यों जाओ। 1 hour later आ तो गया कोरी की दरिया, दर्शन किए दरिया पर। चलते हैं, ऋषभ सोनाक्षी का छुट्टी हो गया होगा ट्यूशन से, लेके आते हैं। और सब्जी भी लाना तो सब्जी भी लेके आते हैं। कहाँ, अरे सब्जी ले लूँ, आ जाओ सब्जी तो इधर। ऋषभ को कुछ न कुछ घटा रहता है। कहाँ यार, बहुत महंगी दे रहे हो, यहाँ क्या लोगे। क्या ये क्या होता है, चाहिए। ये क्या है, चाहिए। है क्या ये, या फिर ये दिला दो, वो पटाखा है। पटाखा क्या करोगे, दीपावली आगे तब लेना पटाखा। तो ये तो दिला दो। 40 220 इधर देखो, इधर देखो, 250 क्या लोगे, 35 285। तो अभी मैं मार्केट में गया था ऋषभ को लेने के लिए, तो वहाँ पे हमारी YouTube फैमिली दो लेडीज मिल गई, बोले कि आप डीके भैया हो ना, आपका वीडियो देखते हैं, और ऋषभ से भी मिलवाया। ऋषभ शर्माता तो बहुत है, और पापा आए इधर चाय नाश्ता, वन्ना जी ने लगा दिया तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मिलते हैं, बाय बाय।